अब जो इंडिया है ना, ये ऐसी मार्केट बनने जा रही है जो कि एक इंटरनेशनल मार्केट को छू सकती है, क्योंकि कुछ ऐसी कंपनीज जिसको हम सोचते थे कि भाई ये चाइनीज है, ये कहीं की भी है, लेकिन ये सारी कंपनीज जो है अब इंडिया के अंदर आ रही है। और जो मेरे सामने इस वक्त ये बाइक खड़ी है, क्या बोलूँ उसको, मॉन्स्टर राइनो क्या है ये, बहुत ह्यूज मोटरसाइकिल है, बहुत ही ज़्यादा लंबी भी है और चौड़ी भी है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ कि अगर इसका रेयर व्हील दिखाया जाए और इसको रेयर से दिखाया जाए तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट किस्म की ये मोटरसाइकिल है, और इसका नाम है LFC 700। 700 सीसी का ही है, ऑलमोस्ट इसको बोलते हैं कि ये 700 सीसी की मोटरसाइकिल, और इनलाइन फोर सिलेंडर के अंदर इंजन यूज़ किया गया है। अभी इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन पे जाऊंगा, लेकिन सबसे पहले 700 सीसी की बाइक में कुछ इस टाइप का टायर और इस टाइप का जो ये जो लुक्स हैं इसके, ये तो आउटस्टैंडिंग ही है, ये तो मतलब मार्केट से बिल्कुल हट गया अगर किसी ने ये ले ली 700 सीसी की बाइक, क्योंकि खूबसूरत बहुत है। ये भागेगी नहीं क्योंकि ये क्रूज़र मोटरसाइकिल है, लेकिन ये सुंदर बहुत है और बहुत ही अट्रैक्टिव है अगर इसको इस तरफ से देखा जाए तो। इंजन से लेके ये जो इसका फ्रेम है, ये एक्चुअली एक रगेड टाइप ये मटेरियल है, कुछ फाइबर टाइप्स, लेकिन इसको ऐसे दिखा रखा है कि ये ना बहुत ज़्यादा रगेड है, और ये हो भी सकता है क्योंकि ये मेटल तो नहीं लग रहा फॉर श्योर, ये कोई ना कोई एक तरीके का एक मटेरियल है जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुआ। और यहाँ पे अगर देखा रहे हैं तो इंजन स्पोर्ट्स बाइक जैसे इसका इंजन है, जैसे स्ट्रेट होता ना, इनलाइन फोर सिलेंडर इंजन है इसके अंदर। इंजन की प्लेसमेंट देखो पहले आप, कितना कूल लग रहा है ना ये, और जो इसके अंदर कंट्रास्ट क्रिएट किया हुआ है इनके डिज़ाइनर्स ने, आउटस्टैंडिंग यार, ये तो बिल्कुल मतलब अलग है। इनफैक्ट कि ये जो स्टैंड है इसका भी साइज़ देख लो, क्योंकि बाइक बहुत ही ज़्यादा बल्की है, तो ये जो इसका जो साइज़ है ये भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हैवी सा लग रहा है हमें। फिर नीचे से ये पूरी जो फ्रेमिंग है ना, ये इन्होंने ढक रखी है, और एक बार बताऊँ ये कोई हल्का सा फाइबर नहीं है, देखो कितना स्ट्रॉन्ग कितना मोटा फाइबर है। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है कि BD 702, और जो आपका पेडल्स होंगे वो बहुत ही ज़्यादा हाई रेज है, मतलब कि अगर इस पर राइडर बैठेगा तो लेग्स अपने काफ़ी आगे रखेगा, काफ़ी रिलैक्स पोजीशन होने वाली है इसकी। अब इसको यहाँ से देखो, मैं तो देख रहा हूँ ना, मेरा मन ही नहीं भर रहा है, क्योंकि इसका टैंक यार बहुत ह्यूज है, इतना चौड़ा टैंक जो इसकी फील होने वाली है एक्चुअली, वो तो आउटस्टैंडिंग होने वाली है। कुछ इस टाइप की इसकी की है, इसके अंदर कोई फॉब नहीं है, ये एक नॉर्मल की है, तो यहाँ पर ये लगाने का जो इसका जगह है वो राइट हैंड साइड पे, जैसे क्रूज़र मोटरसाइकिल्स के अंदर होती है, यहाँ पे ये की ऐसे करके लग जाएगी इजीली। तो यहाँ से भी इंजन वैसे ही दिख रहा है, सेम है, बेंडर की ब्रांडिंग है। और एक और अमेजिंग सी एक चीज़ दिखाता हूँ, जब हम कस्टम दुनिया में थे तो हमने काफ़ी सारे एग्जॉस्ट देखे जो कि ऐसे से दिखते थे, ऐसे फोर लाइनर एग्जॉस्ट, और ये भी इसके अंदर ऐसा सा ही एग्जॉस्ट देखने को मिल रहा है। और जो इसका साउंड है ना, ये कंपनी वाले कह रहे हैं कि आउटस्टैंडिंग है, हो सका तो हम एक बार इसका साउंड सुनाने की कोशिश करेंगे, बट एक बार दोबारा से अगर ऊपर देखें तो ह्यूज देखना कि कितना बड़ा है, मेरा हाथ काफ़ी ह्यूज है अगर मैं दिखाऊँ, और मैं अगर इसको यहाँ रखता हूँ ऐसा, तो ये जो टैंक है ये सुपर लार्ज किस्म का ये टैंक है। और जो सीट है ना, ये बेंडा और ये जो जॉन्टिस टाइप की कंपनीज है ना, ये कुछ अलग टाइप का मटेरियल यूज़ कर रही है, वो क्या है, ये कोई लेदर नहीं है, ये कोई फैब्रिक नहीं है, ये एक अलग टाइप का प्लास्टिक रबड़ है जो कि फटेगा नहीं, कटेगा नहीं। दूसरी बात, ये कंफर्टेबल बहुत है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, मीडियम लेवल का है, तो दूर तक जा सकते हो। और जो फ्लो है, पूरा जो मशीन का फ्लो है वो माइंड ब्लोइंग है गाइस, मेरे को तो बहुत मज़ा आया। इनफैक्ट कि एक चीज़ और इसकी मैं दिखाऊँ, तो यहाँ से ये स्विंग आर्म देखो, स्विंग आर्म का जो डिज़ाइन है ये कितना बिल्कुल यूनिक सा दे दिया है ना इसके बाद इसके अंदर। और ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ना, ये मेटल नहीं है, ये कुछ और है, ये तो हम जब इसकी R&D और ज़्यादा करेंगे तब हमें पता चलेगा कि ये क्या है, तो आप लोगों के लिए बहुत जल्दी लेके आने वाले हैं। अब देखते हैं इसके कंट्रोल्स की, कंट्रोल्स कैसे हैं। तो यहाँ से ये जो है पूरा एक मॉन्स्टर हॉर्न टाइप ये हैंडल है, काफ़ी वाइड है मोटरसाइकिल, मतलब बैठने के बाद जो राइडर होगा उसके हाथ ऐसे खुल जाएंगे। पर यहाँ पे साइड व्यू मिरर्स आ गए साइड में, काफ़ी क्यूटली डिज़ाइन है, और इस मोटरसाइकिल के हिसाब से ना ये सूट कर रहे हैं। अब अगर इसके कंट्रोल्स देख लिए जाएँ तो कंट्रोल्स हमने ज़्यादा जॉन्टिस मोटरसाइकिल्स के अंदर जो कंट्रोल्स देखे हैं नॉर्मल वही हैं, कुछ नहीं होता इसके अंदर, मोड होता है, हाई लो होता है, टर्न इंडिकेटर आ गया, हॉर्न आ गया। इस तरफ अगर देखोगे तो एक किल स्विच आ गया, यहाँ पे ये हैजार्ड है, यहाँ पे आपकी लाइट आ गई, और ये आ गया आपका सेल्फ का बटन। अब क्योंकि ये एक पावर टूरर मोटरसाइकिल बनाई है ना, तो इसके अंदर छोटी मोटी चीज़ें तो देनी चाहिए थी, जैसे कि यहाँ पे एक छोटा सा एक चार्जर दे रखा है टॉयलेट
12 वोल्ट चार्जर है, इसके अंदर कुछ भी लगा सकते हो, कैसे भी आइटम। उसके बाद जो इसके लीवर्स हैं ये एक्चुअली एडजस्टेबल लीवर्स हैं और ये दोनों तरफ है, क्लच भी एडजस्टेबल है, ब्रेक भी एडजस्टेबल है। इनफैक्ट अगर थोड़ा सा नीचे की तरफ में आता ना तो ये रहा इसका इग्निशन स्विच, और जब मैं इग्निशन स्विच ऑन करूंगा तो ये कुछ इसका इग्निशन सीक्वेंस होने वाला है जो कि ऐसा सा दिखेगा आपको बंडा। और ये बहुत फास्ट है, इसके अंदर कोई लैग नहीं दिखा अभी तक हमें, काफ़ी स्मूथ सा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर लग रहा है। अभी बाइक न्यूट्रल पे है, न्यूट्रल दिखा रहा है, यहाँ पे आपका आ गया आरपीएम गेज, यहाँ पे स्पीडो गेज आ गया, बाकी किलोमीटर ट्रिप वगैरह टाइम भी यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ इनफैक्ट यहाँ पे बैटरी वोल्टेज भी दिखा रहा है। बाकी सारी की सारी यहाँ पे लाइट्स है जो कि इंडिकेशन के लाइट्स ही होती हैं, और ये इतनी बड़ी जो डिस्प्ले है ये मज़ा दे रही है, ऐसा लग रहा है कि सीरियसली हम कुछ फ्यूचरिस्टिक, जैसे कि मैं बोलता हूँ कि फ्यूचर से इंस्पायर्ड मोटरसाइकिल आज की डेट में इंडिया के अंदर आनी है, बहुत ही मज़ेदार ये वाली बात है देखने में, ये वाले एंगल से कवर करेंगे अगर तो। ये इसके आगे हॉर्न DRL आ गया यार, गाइस ये चीज़ बहुत ही आउटस्टैंडिंग लग रही है यहाँ से देखने में ना, ये वाले व्यू से अगर देखते हैं। उसके बाद सिर्फ अभी हम लाइट देख रहे हैं, तो एक DRL एक टेस्ट वाले DRL यहाँ पे, जिससे कि ये एक्चुअली ये इसकी हेडलाइट है, ये हेडलाइट दी है इन्होंने ऊपर की तरफ, और अगर नीचे की तरफ देखोगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे एक डिज़ाइन है, इसके अंदर कल को हम लोग प्रोजेक्टर लगा सकते हैं अगर चाहें तो। और मैं इस बाइक के आसपास घूम रहा हूँ, आपको लग रहा होगा कि ये कितनी ह्यूज है मेरे से, और इसको किसी भी टाइप के हाइट वाला इंसान चला सकता है, लड़कियों की हाइट छोटी है लेकिन उनको हैवी बाइक चाहिए, ये एक ऑप्शन हो सकते हैं मार्केट के जो कि न्यू आ रहे हैं अभी मार्केट में। और यहाँ से अगर इसको देख लिया जाए तो जो अपसाइड डाउन शॉक्स वो भी हाई, मतलब बड़े वाले चौड़े वाले शॉक्स से हैं। फिर ये जो ये टर्बाइन डिज़ाइन इन्होंने दिया है ना, जैसे कि इसके अंदर से एयर जा रही हो, क्योंकि मुझे लग रहा है ये इंजन का यहाँ पे इनटेक है, क्योंकि इसके अंदर एक स्पेस है जहाँ से कि एयर जा सकती है, तो ऐसा सा कुछ डिज़ाइन है। फिर एक आ गया है फ्रंट फेंडर, और यहाँ पे जो टायर है वो भी काफ़ी वाइड है। फिर डुअल डिस्क का सपोर्ट, ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। और एंड एलॉय व्हील का जो डिज़ाइन है ये इसके साथ में सूट हो रहा है, बजाय कुछ और भी हो सकता था, दो तीन चीज़ें हैं जो कि मेरे को लगी कि कुछ और हो सकती है जिसके अंदर अगर इसको और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाना था तो। और अगर टू भी स्पेसिफिक बात करें ना, तो 680cc का ये इंजन है जो कि 92 BHP का पावर दे रहा है, और उससे जो न्यूटन मीटर खींच खाँच के लेके आ रहा है वो है 63 Nm ऑफ टॉर। और इसका बनाया हुआ जो डिज़ाइन है वो काफ़ी आउटस्टैंडिंग है, क्योंकि जो इसका रेयर टायर है, इसको रेयर टायर को खींचने में ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा चौड़ा है तो इसको खींचने में, ड्रैग करने के अंदर हो सकता है कि थोड़ी सी इसको प्रॉब्लम हो। एक बार ये दोबारा से इसका ये रेयर व्यू दिखा रहे थे, तो रेयर व्यू काफ़ी वाइड है यार, बहुत ज़्यादा वाइड है। टर्न इंडिकेटर्स एंड लाइट जो इसकी मैच हो रही है वो कुछ इस टाइप से इसका रेयर व्यू, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, काफ़ी स्लीक है। और इस टायर के साथ में ये जो लाइट है ये सूट कर रही है यार, नो डाउट, ये एक बात तो है। अब कुछ लोगों को ये लग रहा होगा कि ये टायर की विथ कितनी है, तो ये 310 है भाई, 310 55 R18 इंच का व्हील है ये, और 310 इसकी विथ है, मतलब ये इंट्रूडर समझ लो आप इसको, इंट्रूडर के अंदर जो लोग मॉडिफाइड टायर लगाते हैं ना, कुछ इस टाइप का है। तो ये तो है एक यहाँ की बाइक, अभी बहुत सारे कॉन्टेंट और आने वाला है, हमारे साथ जुड़े रहे, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय।